और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं राजभवन में और आठवीं बार नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के। लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं, हालात भले ही राजनीतिक बदलते रहे हों, साथी बदलते रहे हों, लेकिन खुद सत्ता के केंद्र में बने रहे हैं नीतीश कुमार। और इसी वजह से ये बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक सर्वाइवर हैं। राजनीति में कैसे कब उन्हें किस ओर जाना है ये बखूबी जानते हैं और समझते हैं। तो ये जानकारी देते हुए कि 164 विधायकों ने समर्थन की चिट्ठी दी है और उन्होंने चुना है नेता के तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, 164 विधायकों का समर्थन और विधायक दल के नेता के तौर पर उन्हें चुना गया है, लेकिन बिहार की राजनीति में जी हाँ बिल्कुल नीतीश कुमार की जरूरत हर किसी को है। नेता चुना जी हाँ, देखिए और यही कारण है कि देखिए आठवीं बार ये पूरा देश सुनेगा मैं नीतीश कुमार, ये आठवीं बार बिहार की जनता सुन रही है कि मैं नीतीश कुमार, और बाहर लिख दिया गया है जेडीयू कार्यालय के बाहर। जरा ये शपथ सुन लीजिए सुमायरा, उसके बाद में बताता हूँ कि जेडीयू कार्यालय के बाहर कैसे लिखा गया है सबके नीतीश। जो कह रहा था कि आपने कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार 2005 से देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उन तमाम मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद से 2014 में जब आम चुनाव हुए उसमें जब इनको करारी हार मिली, बीजेपी से अलग हुए थे, मात्र 2 सीटें इनको मिली थी उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि ये नरेंद्र मोदी जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बरक्स एक चेहरा हैं, जो कि आज भी वो कहा जा रहा है, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स एक चेहरा बने थे और उस रूप में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन मात्र जब 2 सीटें आईं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुर्सी सौंप दी जीतन राम मांझी को, लेकिन 9 महीने के बाद ही उन्होंने जीतन राम मांझी से कुर्सी वापस लेने के लिए पटना से लेकर, आपको याद होगा दिल्ली के होटलों में विधायकों को रखा गया, पटना से लेकर दिल्ली तक उन्होंने वो तमाम जो राजनीति के मसलहता में जो कदम होते हैं वो सारे कदम उठाने पड़े, और उसके बाद से 2015 में फिर से उन्होंने
आरजेडी के साथ महागठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल होकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने फिर से उनको प्रचंड बहुमत मिला। अपनी छवि भी इस तरह की बनाई है, अपने आप को भी राजनीति में इस तरह से विकास के साथ जोड़ा है, काम के साथ जोड़ा है, और साथ ही राजनीति को भी बखूबी उन्होंने समझा है बिहार की, और अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बना दिया है। इस वजह से वो इनविंसिबल हो गए। ऐसा लगता है कि वो समय के साथ समय को भाप कर अपना खेमा भी बदल लेते हैं, साथी भी बदल लेते हैं।